नमस्कार, आप देख रहे हैं एएच न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल पारित कर दी गई, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज पूरे बिहार में एक ऐलान किया था कि इस बिल के विरोध में पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन की जाएंगे। आपको बता दें कि राजद के कार्यकर्ताओं ने एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। वही आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में राजद के विधायक और राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा बैलगाड़ी पे सवार होकर जबरदस्त विरोध की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो बिल लाई गई है, ये किसान विरोधी बिल है। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। यह बिल 100% किसानों की विरोधी है, क्योंकि जब किसान के पास अनाज होगा, पैसा वाले इसको भंडारण कर लेंगे, बाद में जब किसान के घर से अनाज खत्म हो जाएगा तो पूरा मार्केट में बहुत ज्यादा दाम बता देंगे। और विधर्ष का मक्का का जो है, जो 1800 और 1600 से कभी भी आज तक मक्का कम रेट में नहीं बिका, लेकिन जब किसान के पास मक्का हुआ और रखने का भंडारण कोई जगह नहीं था, आज 900 रुपये के लिए भी कोई तैयार नहीं था। हम लोग का काम है विपक्ष का काम है विरोध करना। हम बहुमत में है, लेना वापस लेना नहीं लेना उनका काम। क्या लगता है कि सरकार सरकार को हर हाल में उनको वापस लेना किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 काला बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये चंपारण में लाखों की संख्या में जो है लोग किसान के फेवर में उतर गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से जो है, जब तक बिल वापस नहीं लेता है तब तक लगातार यह आंदोलन जो है पंचायत स्तर तक होता रहेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जब तक बिल वापस नहीं लेती है सरकार तब तक हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव भारत मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब भी आह्वान होगा हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। ये सरकार तानाशाही वाली सरकार है, ऐसी सरकार चलने वाली है नहीं। लेकिन सरकार जो बोले कि जो बिल जो लाई गई किसान हित में लाई गई, सरकार किस किसान के हित में बिल लाई गई है जब हम अपने फसलों का रेट हम तय नहीं कर सकते। हमारा एक MSP मूल्य होता है, जो एक मिनिमम संवर्धन मूल्य होता है, वो किसान तय नहीं कर सकता है। किसान ये नहीं तय कर सकता है कि वो अपना फसल अगर उत्पादन हुआ है तो किस मंडी में बेचेगा, किस रेट में बेचेगा, उसके हित की कौन सा ये बिल है। आपको लगता है कि आपका विरोध करने के बाद बिल को वापस दिया जाएगा? मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय इसको दोबारा संसद में भेजेंगे और ये किसानों के हित के लिए एक संशोधन के साथ, हम लोगों किसानों की आवाज़ के साथ एक पूर्ण रूप से फिर दोबारा सदन में लाया जाएगा, उस पर बहस होगा और किसानों के हित में पारित करना ही पड़ेगा।